सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, बिल्कुल वैसा ही आज हम सिग्नेचर लोगो बनाना सीखेंगे। और इस लोगो को भी बनाने के लिए हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। साथ में इस लोगो को बनाने के लिए जो मैं फॉन्ट यूज किया हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। वैसे इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे लोगो से रिलेटेड ट्यूटोरियल डाले हैं, सो अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाके देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर इस लोगो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही जो लोग मुझसे डिजाइन करवाना चाहते हैं अपने ब्रांड, बिजनेस या फिर यूट्यूब के लिए लोगो, इंट्रो, आउट्रो, बैनर, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले से मिल जाएगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक और मेरा नंबर भी दिया हुआ है। सो चलिए जानते हैं आज की इस लोगो को बनाना कैसे है। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे पिक्सल लैब का ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट का एक बॉक्स मिलेगा, इस पे आपको डबल टैप कर देना है। और यहां से आप जिस भी नेम से आप लोगो बनाना चाहते हैं या फिर सिग्नेचर लोगो बनाना चाहते हैं वो आपको नेम टाइप करना है। देन यहां डन पे क्लिक कर देना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे इसको प्लेस करना है। देन हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ ए वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। आज जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ ये पिक्सल लैब में आपको नहीं मिलेगा, ये गूगल से मैं डाउनलोड करके पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ऐड किया हूँ। सो आपको भी डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करने के बाद आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ऐड कर लेना है। अगर ऐड करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ माई फॉन्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोने में आपको एक फोल्डर का और एक टी का साइन मिल रहा है, तो इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट डिवाइस में ही आप चले जाओगे, वहां से आपको वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, सिंपली यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। डिटेल में चाहिए तो वीडियो डाला हूँ, जाके देख लेना। सो यहाँ से मैं वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपका फॉन्ट ऐड होगा वो माई फॉन्ट्स के सेक्शन में आएगा। सो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे मैं ऐड कर रखा हूँ। जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ उसका नाम स्टेफन है। सो ये फॉन्ट को आपको सेलेक्ट करके यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। देन हमें कुछ इस तरह से इसको स्ट्रेच कर लेना है और यहाँ पे हमें इसका कलर चेंज कर लेना है। आप जो भी कलर का चाहे रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसका कलर सैफ्रॉन का, ऑरेंज कलर का कर लेता हूँ। सो इसी ए वाले सेक्शन में आपको यहाँ ऊपर कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, जिस भी कलर में आप चाहें बना सकते हैं लोगों को। यहाँ से मैं ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारा जो लोगो है, जो हमने टेक्स्ट डाला, वो साइड साइड से कट रहा है। सो इसके लिए सिंपली हमें इसके साइड साइड में पैडिंग क्रिएट करनी है। तो यहीं पे आपको ए वाले सेक्शन में पैडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग आपको इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरह से, देन आपका टेक्स्ट कटेगा नहीं। फिर यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे अपना सेकंड टेक्स्ट ऐड करना है। अगर आपका कोई स्लोगन है या फिर कुछ भी है तो आप नीचे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे, फोटोग्राफी का। सो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा, इस पर डबल टैप करना है और यहाँ से आप दूसरा टेक्स्ट ऐड कर लेना है। देन यहाँ डन पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। फिर इसको कुछ इस तरह से स्ट्रेच करना है और यहाँ प्लेस कर देना है। यहाँ पे इस टेक्स्ट का हम फॉन्ट चेंज करने वाले नहीं है, जो यहाँ पे फॉन्ट दिख रहा है, जो टेक्स्ट दिख रहा है वही रहने देंगे। बस इसमें एक और काम करना है आपको, यहाँ नीचे आना है, यहाँ पे आपको स्पेसिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से इसे कुछ इस तरह से इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इसको छोटा करना है और यहाँ प्लेस कर देना है। कुछ इस तरह से प्लेस करने के बाद ये जो हमने टेक्स्ट ऐड किया ये काफी थिन है, तो यहाँ पे हमें इसे बोल्ड कर लेना है। इसके लिए सिंपली आपको इसी ए वाले सेक्शन में नीचे बी ए स्टाइल करके एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से इसे इनेबल कर लेना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो हमने फोटोग्राफी टेक्स्ट ऐड किया है, इसके पीछे हमें शैडो क्रिएट करना है। इसके लिए सिंपली आपको नीचे आना है, यहाँ इसी ए वाले सेक्शन में यहाँ आपको शैडो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ इसे इनेबल कर देना है। ऐसे ही जो हमने अनंता क्रिएशन जो ऐड किया, इसको भी सेलेक्ट करना है और इसके पीछे भी हमें शैडो क्रिएट कर लेना है। इसके लिए सिंपली इसी ए वाले सेक्शन में शैडो पे क्लिक करना है, देन इसे इनेबल कर लेना है, फिर यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जो दोनों टेक्स्ट है इनको आपस में मर्ज कर लेना है, ये अलग अलग हैं तो इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लेना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से इन दोनों बॉक्सेस को चेक मार्क करना है,
देन यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे ये दोनों फाइल आपस में मर्ज हो जाएंगे। अब बारी है यहाँ पे हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। सो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से आप जिस भी कलर का चाहें बैकग्राउंड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कलर पे क्लिक करके आप कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जो बैकग्राउंड यूज करने वाले हैं वो डायरेक्ट हम अपनी गैलरी से करेंगे, बाहर से हमने डाउनलोड किया है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, डायरेक्ट ये आपकी गैलरी में ले जाएगा। जो मैं बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। देन जिस तरह से मैं ऐड कर रहा हूँ आपको भी ऐड कर लेना है। देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा बैकग्राउंड कुछ ज्यादा ही लाइट है तो यहाँ से हमें इसकी जो ब्राइटनेस है थोड़ी कम कर देनी है, और इसका जो सैचुरेशन है उसे भी यहाँ से हमें कम कर देना है। सो ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा। इसके अलावा यहाँ से हमें इसका कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमारा जो लोगो है वो बन चुका है, काफ़ी दिखने में शानदार लग रहा है। सो इस लोगो को सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ टॉप पे क्लिक करना है, देन यहाँ सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको डायमेंशन की जगह पे कस्टम मिलेगा, इस पे टैप करके आपको सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी में चाहिए तो यहाँ अल्ट्रा सेलेक्ट करना है, देन यहाँ सेव टू गैलरी पे क्लिक करके इस इमेज को सेव कर लेना है। सो गाइस ऐसा करके आप भी अपने ब्रांड या बिजनेस के लिए सिग्नेचर लोगो बना सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।